वंदे मातरम मित्रों, पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं आपका शुभचिंतक हरकेश चौहान आपके स्वास्थ्य लाभ हेतु मसाज मालिश श्रृंखला में। आज हम घुटने का दर्द के बारे में जानकारी बताएंगे। चाहे घुटने के अंदर पानी फ्लूड भरा हो, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे कैल्शियम डेफिशिएंसी, घुटने बिल्कुल स्टिफ हो गए, डॉक्टर बोलता है ऑपरेट की जरूरत पड़ेगा, उसका स्नोवर फ्लूड खत्म हो गया है, उन सब में काम करेगा। पहले क्या करेंगे आप घुटने को, ये यहाँ पे आपने बस ऑपरेट नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, गर्म ठंडे की सेक लगाएंगे नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग। फिर आपने हल्का हल्का से ड्राई मसाज करना है ये पूरा दोनों का, और पटेला पकड़ के, मतलब ये जो इसका पटेला है इसको कटोरी बोल देते हैं, ये इसको पकड़ के ऊपर उठाना है और छोड़ना है, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे दोनों को, और पकड़ कर ऊपर जग करके ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाना है। उसके बाद मसाज करना है इसको यूँ पूरा आगे पीछे, और पैर फोल्ड करके यूँ ऐसे पूरा मसाज करेंगे, और हल्का हल्का आपने बीट करना है पूरा, ठीक है। और एक एक्सरसाइज यूँ करवानी है, पकड़ के पूरा ये ऐसे लगा के पूरा लगाना है, और खोलते टाइम यूँ वाला ये करेंगे आप दोनों पैरों का, साथ में आप फिंगर्स को जैसे चाबी भरते हैं लाइक दिस, इस तरह से, खासकर पैर की दोनों बीच वाली उंगलियाँ, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ इन गांठों को, ये प्रक्रिया, क्योंकि कैल्शियम स्नोवर फ्लूड कम हो गया है तो यहाँ पे एंकल के पास इधर भी आपने मसाज करना है पूरा, चारों तरफ करेंगे आप ऐसे ही, जो हाथ है इनके हाथ की जो बीच वाली उंगली है इसके मसाज यहाँ पे दोनों की पूरा ये करना है। कान में इधर ये मेरा ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल की मसाज मुद्रा के अंदर, एक तो आपने यकृत मुद्रा लगानी है, दूसरी पार्श्व मुद्रा, तीसरी आपने अपानवायु मुद्रा लगानी है। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपका घुटना ठीक होता जाएगा, साथ में पाद स्नान जरूर करें और जिंदगी में खुशियां लेके आए। धन्यवाद।